IBN 7 हौसला है। औरंगाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय शिविर आज से शुरू हो गया है। इस शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम बड़े पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। इस शिविर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और संघ के पूर्व प्रचारक संजय जोशी को भी न्योता भेजा गया है। इस न्योते को संजय जोशी की घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। घर वापसी के दौर में एक और घर वापसी, यहां बात धर्मांतरण की नहीं बल्कि पूर्व संघ प्रचारक संजय जोशी की हो रही है। पूर्व संघ प्रचारक संजय जोशी को आरएसएस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में बुलाया गया है। इसे जोशी की घर वापसी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शिविर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में लगा है और संजय जोशी ने गुजरात से सियासत का सबक सीखा है। हालांकि बाद में पीएम मोदी के विरोध की वजह से संजय जोशी को बीजेपी छोड़नी पड़ी थी। फिलहाल 1.5 साल से वो हाशिए पर चल रहे थे। इस बीच संघ के चिंतन शिविर के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सह सरकारीवाह सुरेश सोनी ने वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा उठाया। सोनी ने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवाद की वजह जिहाद है और जिहाद के चलते आज इस्लाम ही इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है। ग्लोबल टेररिज्म क्यों है? टेररिज्म के पीछे जिहाद है। और जिहाद क्यों है? तो मेरा ही भगवान ठीक है और मेरा ही मार्ग ठीक है, बाकी सब गलत है, इसमें से इंटॉलरेंस पैदा होता है, असहिष्णुता पैदा होती है। इस्लाम के ग्रुप ही इस्लाम से टकरा रहे हैं, तो असहिष्णुता जन्य विचार दुनिया में कभी शांति नहीं ला सकते। अगर शांति लाना है तो एक ऐसे विचार की जरूरत होगी जो कहे कि तुम्हारा भी रास्ता ठीक है, मेरा भी रास्ता ठीक है, और ये विचार इस हिंदू परंपरा के अंदर है। पहले दिन के शिविर की खास बात ये रही कि इस दौरान संघ के किसी भी नेता ने धर्मांतरण या घर वापसी का मुद्दा नहीं उठाया। शिविर में जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर आयोजकों के हौसले बुलंद हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 26,000 कार्यकर्ताओं ने शिविर में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश की नजर शनिवार को होने वाले कार्यक्रम पर टिकी है, जिसमें पीएम मोदी और एक जमाने में उनके धुर विरोधी रहे संजय जोशी के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सवाल है कि क्या मोदी और जोशी की इस शिविर में मुलाकात होगी? अगर मुलाकात होगी तो क्या दोनों की नजरें भी मिलेंगी? दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।